अभी ये 3 साल पूरी हुई आदरणीय मोदी जी सरकार की, 26 तारीख को, और उसका लेखा जोखा अखबार में मीडिया में आ रहा है। और दिव्य भास्कर ने तो बहुत बड़ा सर्वे करवा करके कितने दिनों से कि ये 3 साल का लेखा जोखा क्या है, जनता देश की क्या मान। मुझे भी पूछा गया, हमारे फूल साहब ने मुझे पूछा, मैं यहाँ आ रहा था, कौशिक भाई ने फोन किया, बापू हमें पूर्ति निकालनी है कि मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, आप क्या एक साधु के नाते आप क्या कहना चाहेंगे। मैंने टेलीफोन पर कहा कि मैं सबसे डिस्टेंस रखे हुए हूं, पूरी दुनिया जानती, पहले तो एक ये बात रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं राजनीति, लेकिन मैं इतना कह सकूंगा कि इस आदमी की राष्ट्रभक्ति पर कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकेगा। मेरा निवेदन आज अखबार में ऑलरेडी मेरे नाम से है, बाकी राजनीति साम दाम दंड भेद की तो होती है, दुनिया को करनी पड़ती है, कोई कहे बता दूध ना धोया होता नहीं साहब, बाकी राष्ट्रभक्ति के बारे में, जैसे वो अंग्रेज न्यायाधीश कहता था कि ये गांधी को मैं कोर्ट में देखता हूं ना तो कांपता हूं, क्योंकि गांधी निर्णय कुछ भी करे लेकिन उसके सच के बारे में जब मैं सोचता हूं तब मैं मेरी सीट पर कांप जाता हूं, अंग्रेज जस्टिस ने कहा था, गांधी का सत्य मुझे कपट, मुझे क्या किसी प्रधानमंत्री से किसी की सरकार से मुझे क्या लेना देना, क्या लेना देना। ये उत्तराखंड के सीएम साहब 2 दिन से फोन कर रहे थे, फोन की मुश्किल है यहां, कोई मिलती नहीं, उसके 2 आदमी, बाबू एक बार बात हो जाए ना तो हमारा भी वजन बढ़ जाए कि बापू से बात करवा दी, लेकिन लाइन लगे तो मैं बात करूं ना, 5 मिनट बापू, मैं 10 मिनट बैठा, 15 मिनट मैं उठ गया कि भाई मैं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं फिर भी 10 मिनट देता हूं, हो जाए तो नॉक करना दरवाजा तो मैं बात कर लूंगा, बाकी कल कहना 5 बजे मौन छूटे उसके बाद बात करे, मुझे क्या लेना देना, ये मेरा देश है, किसी सरकारों का देश नहीं है, मेरा मीन्स साधुओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, ये गंगा और यमुना का देश है, केदार और कैलाश का देश है, क्या लेना देना है। मैं आज तक न राजभवन में गया, राजभवन में कभी गया हूं लेकिन कोई काम के लिए नहीं, कोई कोई सीएम पीएम नहीं, इसका कोई अभिमान नहीं है, मुझे क्या, मुझे आवन जावन पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम, संतन को कहा शिकरी काम, आवा जवा में अपना चप्पल गहाई जाए, एटलू भजन वो छूता है आप क्या ले। लेकिन मैंने एक कुटस्थ एक भारत के नागरिक के रूप में मेरे 2 वाक्य कहे कि राष्ट्रभक्ति के बारे में उस पर उंगली, मुझे अच्छा लगा कि केदार के द्वार खुले और हमारो प्रधानमंत्री पहलो अभिनु भरू, ये मुझे अच्छा लगा, अब उनके पीछे उसकी कोई गिनती हो तो वो अल्लाह जाने, उससे मेरे मेरे लिए क्या लेना देना है, वो अल्लाह जाने, जैसे हम आते हैं पुण्य लेने के लिए वो तुम जानो, हम आते हैं मोक्ष लेने के लिए वो तुम जानो, क्या गिनती हो परमात्मा। तो मैंने तो एक तो ये कहा कि मेरी समझ जितनी है गुरु कृपा से इतने में, और दूसरी बात 3 साल में एक भी कौभंड बाहर नहीं आया, इसकी तो दुश्मन को भी सराहना करनी पड़ेगी, मुरारी बापू।